तो भारतीय टीम सिडनी टेस्ट में काफी मुश्किल स्थिति में खड़ी है इस वक्त, और ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर आप देखें तो जीत के ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या क्या वो निर्णय लिए गए मैच के चौथे दिन जिसका फायदा ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिला, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो, सही है डिसीजन, प्रेजेंटेड बाय म्यूचुअल फंड, सही है। तो आकाश चोपड़ा है मेरे साथ। आकाश, पहले सही डिसीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है भारतीय टीम का रिव्यू लेना DRS स्मिथ की विकेट को, क्योंकि उस वक्त काफी खतरनाक नजर आ रहे थे स्मिथ, और अंपायर ने भी नॉट आउट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा था अश्विन और कप्तान रहाने को कि आउट है। देखिए, DRS के मामले में तो आज ये जो चौथे दिन का खेल है, एक नहीं है, एक्चुअली तीन तीन डिसमिसल थे जहां पे बहुत सही इस्तेमाल किया गया। पहले आप स्मिथ की बात कर लीजिए, कुछ अलग अंदाज में खेल रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर खड़े होकर खेल रहे थे, तो इस वजह से इम्पैक्ट जो था विद इन स्टंप्स था। और रेड रेड अगर आपको दो दिख जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि अंपायर से गलती हुई है, क्योंकि अंपायर कॉल तो नहीं था ना, ये बिल्कुल सामने गेंद लगी है, जाके भी पूरी स्टंप्स पे लगती। महत्वपूर्ण विकेट था क्योंकि स्मिथ जो अपने दूसरे शतक से ज्यादा दूर नहीं थे इस मैच के दूसरे शतक, और उसके बाद के दो डिसीजन और डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पर निखिल, क्योंकि रोहित शर्मा को आपने आउट दिया और बॉल कम से कम प्रोजेक्शन में दिखा इतनी ऊपर से, कुछ 8-10 इंच ऊपर से जा रही थी। उसके बाद आपने पुजारा को आउट दिया तो वहां पे भी 3-4 इंचेस का फर्क था, तो ये मार्जिनल कॉल्स नहीं थे, ये आपने मार्जिनल कॉल था, अंपायर ने आउट दे दिया, बहुत पास से निकल रही थी गेंद और शायद समझ में ना आई हो। तो अगर इतना अंतर आएगा तो फिर आपको परेशानी होती है, बतौर टीम आप ये सोचते हैं कि, या फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जो मार्जिनल कॉल्स है ना, ये हमारे पक्ष में नहीं जा रहे हैं और ये बात शायद सही नहीं है। एक और सही डिसीजन जो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस वक्त लिया वो ये था कि वो सेशन जब पेन और ग्रीन क्रीज पर मौजूद थे, उन्होंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्हें पता था शायद कि हो सकता है आगे मुश्किल हो विकेट लेना, तो जितनी जल्दी आप रन बटोरे फायदा होगा। यही नतीजा है कि अब 400 से ऊपर का टारगेट है भारतीय टीम के सामने, और वो भी 4 सेशन खेल रहे। देखिए, टेस्ट मैच के वो जो चौथे दिन का दूसरा सेशन, आप इतना आगे खेल में ऑलरेडी है तो फिर एक तरीके से एक ऑब्लिगेशन है आपका अपनी टीम की तरफ कि अब हमें ऐसा ही खेलना है। ये टेस्ट मैच में बहुत कम ऐसा होता है कि स्कोर बोर्ड आपको डिक्टेट करता है कि आपके खेलने का पेस कैसा रहे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन में चलता है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, पुजारा अपने तरीके से खेलेंगे, कोहली उस तरीके से खेलेंगे, रोहित का खेलने का अंदाज अलग है, वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा दोनों अलग अलग, एक ही टीम के सामने एक ही समय बैटिंग करेंगे पर अलग अलग अंदाज में कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऐसे चलता है। पर वो जो समय था, जिस समय की आपने बात की है, वहां तो ऑब्लिगेशन था, वहां तो ये डिसाइड हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ही तरीके से खेल सकता है कि आप जाइए आक्रामक अंदाज में खेलिए और डिक्लेरेशन की तरफ, आगे की तरफ कदम बढ़ाइए, उसके चलते अगर आपका विकेट गंवा भी दे तो भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो वो जो किया उन्होंने बिल्कुल सही किया, अगर वो नहीं करते तो फिर तो बहुत बवाल होता कि ये क्या कर रहे हैं, सेल्फिश खेल रहे हैं, अपने रन्स के लिए खेल रहे हैं, नॉट आउट जाना चाहते हैं और टीम को आगे नहीं बढ़ा रहे। तो मेरे विचार में जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया। तो क्योंकि हम अग्रेसिव अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त, भारतीय टीम के नजरिए से देखते हैं, जब इतना पहाड़ जैसा लक्ष्य होना आकाश, तो कई बार आप थोड़े सहम से जाते हैं, थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। वैसा नहीं किया, रोहित शर्मा हो या फिर शुभमन गिल, दोनों अग्रेसिव इंटेंट के साथ आए, फायदा भी मिला, अच्छी पार्टनरशिप रही। देखिए, आपको वही करना चाहिए जो आपको आता हो, और ये दोनों खिलाड़ियों ने वही किया, ये सबसे अच्छी बात रहती कि आप के ऊपर दबाव पड़ रहा है, अब दबाव के अंदर जो आपका बिल्कुल नेचुरल सेल्फ है आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो फिर सफलता के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। शुभमन गिल स्ट्रोक मेकर है, बिल्कुल उसी अंदाज में खेले, दोनों इन खिलाड़ियों ने पहली पारी में रन भी बनाए थे। तो फिर रोहित शर्मा का तो हम सब जानते हैं कि रन अप बॉल खेलने वाला वो खिलाड़ी है, किसी भी फॉर्मेट में आप खिला दीजिए। तो दोनों ने वही किया जो उनको अच्छे से आता है, और क्रिकेट खेलने का अंदाज यही है, तरीका यही है कि स्कोरबोर्ड जरूर कह रहा है कि आप दबाव में हैं, लेकिन दबाव तो चाहे आप डिफेंस कर लीजिए चाहे चौका लगा लीजिए, दबाव तो एक बॉल से एक चौके से दो डिफेंस से बदलने वाला नहीं है, ये बड़ा लंबा खेल है। तो इसमें सबसे अच्छा सर्वाइवल का तरीका यही है कि जो आपको आता हो, जैसे मान लीजिए अगर आप तैराक हैं और आपको फ्री स्टाइल आती है तो फिर फ्री स्टाइल करो, किसी को ब्रेस्ट स्ट्रोक आता है तो वो करे, तो अपना अपना जिसको जो काम आता है वो करें, क्योंकि वही करेंगे तभी आप तैर सकते हैं वरना डूब जाएंगे। तो ये थे 3 सही डिसीजंस, चौथे दिन के खेल के बारे में हम बात कर रहे थे। सिडनी टेस्ट मैच आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, सही है डिसीजंस, प्रेजेंटेड बाय म्यूचुअल फंड्स, सही है।